Hello, Vachapati. We are here to study the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the fourth semester in the Department of Civil Engineering. We are at no, right now in the first module, Simple Stresses and Strains, and today we will go through lecture number 7. So, dear students, in this lecture, we will study analysis of uniformly tapering rectangular bar in our last lecture we have already studied about analysis of uniformly tapering circular rod okay we have gone through circular rod in this lecture we will go for rectangular okay rectangular bar okay तो इस टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे डन देखिए यहां पर मैं एक रेक्टेंगुलर बार बनाता हूं दिस इज द रेक्टेंगुलर बार ठीक है एक्चुअल में ये बार कैसा है तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये बार इस तरह का दिखेगा अगर इसको मैं थ्री टाइप में बनाने की कोशिश करूँ तो ये बार जो है आपका कुछ ऐसा है ठीक है जिसमें ये जो थिकनेस है ना इसका थिकनेस वो टी है ठीक है तो थिकनेस इज़ टी ओके समझ में आ रही बात एक्चुअल में ये बार कैसा है कुछ ऐसा है है ना जिसमें ये जो थिकनेस है ये टी है ओके चलिए इस बात को समझना है ठीक है तो ऊपर से भी मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे बार कुछ इस तरह का दिख रहा है ठीक है जिसमें एक साइड जो आपका लेंथ दे रहा है, एक साइड जो आपका विथ दे रखा है वो ए है इस मॉले से मैं डिनोट कर रहा हूँ ठीक है दूसरे साइड चूंकि टैपरिंग हो रही है दूसरे साइड जो विथ है इसका वो बी है ठीक है जो लेंथ है इस रड का वो एल है ठीक है और इसको अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो जो मुझे दिखेगा वो कुछ इस तरह दिखेगा जो मैंने भी थोड़ी देर पहले फिगर में आपको बताया ठीक है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है वो है टी ठीक है पहले ये समझ आए कि किस तरह का ये बार है टॉप व्यू सॉरी ऊपर से आप देख रहे हो तो इस तरह से दिख रहा है साइड से आप देख रहे हो तो इस तरह से दिख रहा है है ना अगर एक्चुअल में इसको ड्रॉ करें तो किस तरह का है भाई तो ये आपको दिख रहा है मैंने पहले भी बताया ठीक है ये इस तरह का बार है ठीक है ओके ज़्यादा बड़ा हो गया ये इस तरह का बार है ठीक है समझ में आ रहा है ना किस तरह का ये ऊपर का जो थिकनेस है ये ये टी दे रखा है ठीक है टी ठीक है और इधर डायमेंशन दे रखा है ठीक है चलिए तो ये स्थिति है इसके लिए क्या करना है हमें तो इसके लिए हमें बताना है भैया कि जो आपका एलोंगेशन है वो कितना है ठीक है तो इलॉन्गेशन अगर अभी हम बताएं तो कितना होगा इलोंगेशन इसमें ज़ीरो ठीक है इलोंगेशन अभी के स्थिति में ज़ीरो क्यों क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल लोड इस पर एक्ट ही नहीं कर रहा है है ना अभी मैं क्या करूँगा इस पर एक लोड है ना लगाऊँगा एक्सटर्नल तब कहीं जाके एक्सटेंशन की बात होगी ना कि हाँ जी अब लोड लग रहा है तो डिफॉर्मेशन होगा तो स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस होगा तो एलोंगेशन होगा ठीक है जब तक लोड नहीं लगेगा तब तक काहे का एलोंगेशन हो कहे का स्ट्रेस हो कहे का स्ट्रेन ठीक है चलिए तो ये स्थिति है अब देखना है कैसे इसको सॉल्व करना है ठीक है देखिए जैसे कि लास्ट आ, जो टॉपिक हमने किया था सर्कुलर बार के लिए सर्कुलर रड के लिए वही चीज़ यहाँ भी करना है कोई बहुत अलग चीज़ करना नहीं है ठीक है देखिए मैं इसको थोड़ा ले कर चलता हूँ फिर से इसको ड्रॉ करते हैं और आपको बताते हैं देखिए यही तो रड़ है आपके पास ठीक है ओके या बार है आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ मैंने कहा भैया अगर आप यहाँ से इसको यूँ कर लो और यहाँ से यू कर लो ठीक है हमें पता है कि ये बी दे रखा है ऑलरेडी ठीक है ये बी दे रखा है ना ये ठीक है हमें ये भी पता है कि ये ए दे रखा है ऑलरेडी तो आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा कितना होगा ये दोनों लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था ठीक है कितना होगा ए माइनस बी अपॉन टू कैसे कैसे ये पूरा ए है ये बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये मिला करके ए माइनस बी है ठीक है डन ठीक है ये और ये मिला करके कितना है ए माइनस बी ओके और सिमेट्री है इसलिए ये ए माइनस बी बाई टू और ये भी ए माइनस बी बाई टू ठीक है चलिए चीज़ समझ में आ गया आपको ओके अब देखिए इसको मैं बोलता हूँ एक सेकेंड अब देखिए एक चीज जो हमारा मेन काम है वो आपको बता दें इसमें हमें निकालना क्या है इलोंगेशन ठीक है निकालना क्या है इलोंगेशन ठीक है इलोंगेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर को हमने देखा है तो हमें पता है कि क्या करना होता है हम लोग एक स्ट्राइप पतला सा एलिमेंट पतला सा स्ट्राइप ले लेते थे है ना यही तो करते थे ना ठीक है कहाँ ले लेते थे तो पिछले बार पिछले लेक्चर में तो एक्स दूरी पे लिया था इस बार भी एक्स दूरी पे लेंगे ठीक है और इसकी डायमेंशन क्या होगी इसकी डायमेंशन होगी डी ठीक है ओके एक्स दूरी पर कहाँ से एक्स दूरी जो बड़ा वाला आपका विथ है ना वहाँ से डेट इज a वाले विथ से ठीक है हमने x दूरी पे ले रखा है dx एक्स एलिमेंट है थे, ठीक है अब मुझे ये बताइए कि ये जो dx ले लिया तो इसका जैसे यहाँ विथ a है यहाँ विथ b है इसकी विथ कितनी होगी ठीक है तो यही विथ हमें निकालना होगा पिछले बार भी यही किया था यही विथ हमें निकालना है ये विथ निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो इस विथ को निकालने के लिए हम लोग इस फिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है कि कैसे उस विथ को निकाला जाए ओके ठीक है तो यही वाला विथ जो है हमें निकालना है है ना यही विथ हमें निकालना है ठीक है तो कैसे निकलेगा भाई देखिए यहां मैं क्या कह रहा हूं मैं यहां कहता हूं कि ये ए ये बी ये सी ये डी ये ई e, ठीक है ओके अब आप देखिए ट्रायंगल ए बी ई e और एंगल ट्रायंगल सी डी ई e दोनों सिमिलर है ठीक है ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई सिमिलैरिटी है भैया ठीक है अब जो ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई बी ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई लिख सकते हैं बिल्कुल तो ये भी तो पता है कि ए बी का मतलब ए माइनस बी बाई टू क्या जी है ना डिवाइडेड बाई बी ई का मतलब एल इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई डी ई का मतलब क्या देखिए तू पर फिगरवा में डी ई का मतलब क्या है यही ना डी ई है तो एल माइनस एक्स ठीक है तो एल माइनस एक्स तो यहाँ से बताइए सी डी कितना आएगा सी डी आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन टू है ना और एल माइनस एक्स अपॉन एल यही आएगा ना जी न? यही तो आएगा है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ए बाई टू माइनस बी बाई टू ये जो पिछला लेक्चर हमने किया था वही कर रहे हैं कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं हो रही है ठीक है है ना कर सकते हैं इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बाई टू को अगर वन से किए तो ए बाई टू माइनस ए एक्स अपॉन एल माइनस बी अपॉन टू माइनस माइनस प्लस बी एक्स अपॉन टू एल ठीक है या अभी टू एल होगा ठीक है ए एक्स अपॉन एल ठीक है डन सी डी इतना आ गया है अब देखिए तो जरा इस फिगरवा को सी डी अगर मैं ये पोर्शन निकाल लिया हूँ ठीक है तो इसका मतलब है कि मैंने ये पोर्शन को भी निकाल लिया अगर सी डी को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ सिमेट्री है पूरी ठीक है तो ये दोनों और प्लस अगर मैं बी कर दूं तो ये पूरा का पूरा हमें पता चल जाएगा ठीक है तो अगर मुझे चाहिए टू सी डी प्लस बी ये कितना होगा तो ये पूरे के पूरे को मैं क्या करूँगा टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है इसको अगर टू से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा देखिए ये होगा ए क्योंकि ये टू कट जाएगा ना टू से ठीक है तो ए माइनस ए एक्स अपॉन एल माइनस बी प्लस बी एक्स अपॉन एल यही तो बचेगा प्लस बी करना है तो प्लस बी कर देंगे ठीक है क्यों प्लस बी किए भैया क्यों तो सी डी पता था उसको दो से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको बी जोड़ दिए तो ये पूरा लेंथ निकल गया ठीक है विथ निकल गया अब देखिए यहाँ आप ये बी प्लस और ये माइनस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा ए माइनस ए माइनस बी अपॉन एल इंटू एक्स देखिए तो ये बचेगा क्या जी ठीक है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ए माइनस के इंटू एक्स ठीक है जहाँ के इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एल होता है ठीक है ठीक है ये क्या निकल कर आ गया विथ ऑफ एलिमेंट है ना जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया था ठीक है अब देखिए ये जो विथ हमने कंसिडर किया था यहाँ या फिर यहाँ इसका ये जो डायमेंसन है ये पता चल गया इसकी थिकनेस कितनी है टी थिकनेस टी दे रखी है ना तो इसका एरिया कितना होगा बता सकते हैं क्या एरिया इसका क्या ये नहीं हो जाएगा एरिया विल बी इक्वल टू ए माइनस के एक्स इंटू टी कुछ नया नहीं कर रहे लास्ट लेक्चर में जो जो किया बस उसी तरह बढ़ना है तो मुझे बताइए स्ट्रेस कितना हो जाएगा स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया ए माइनस के एक्स इंटू टी बहुत आसान तो अब ये भी बता दीजिए कि स्ट्रेन कितना होगा स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई पढ़ा पढ़ा हुआ है तो पी अपॉन ए माइनस के एक्स है ना इंटू टी इंटू ई करना पड़ेगा ठीक है तो डी एल दैट इज़ क्या इलांगेशन कितना होगा तो इलांगेशन तो हमें पता है कि जो भी आपका स्ट्रेन होता है उसको अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है स्ट्रेन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ देखिए तो उसका लेंथ हुआ कितना है तो यहाँ देखेंगे कि जिसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं इधर इधर लोड लग रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है dx ही तो इसकी लेंथ है ना ठीक है यही तो लेंथ इसकी दी हुई है डीएक्स लोड इधर लग रहा है लोड इधर लग रहा है इलांगेशन इसी डायरेक्शन में होगा ना इस इधर इधर है ना तो उसकी लेंथ कितनी है डी एक्स ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एल इज इक्वल टू ई डी एक्स इसका मतलब क्या हुआ डी एल इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ई कितना है भाई पी अपॉन ए माइनस के एक्स इंटू टी इंटू ई इंटू डी एक्स खत्म कहानी है ना जी यही तो है ओके okay. लेकिन और तेरा के लेकिन आपने तो बस इसके लिए निकाला ना इलांगेशन हमें तो ये पूरे के लिए एलोंगेशन निकालना है तो क्या करल जाएगा ऐसा में बताइए क्या करेंगे जी पूरा हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है चलिए तो टोटल इलॉन्गेशन अगर मैं लिखूँ इज इक्वल टू डी एल से अगर डिनोट करूँ तो सिंपली जीरो से एल तक पी अपॉन ए माइनस के एक्स टी ई डी एक्स खत्म कहा यही तो करना है ठीक है चलिए इतना ही था इसमें ठीक है लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है यहीं पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको हम लोग आगे भी कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है पहले मैं सोचा था आप लोग को होमवर्क दूँ लेकिन चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो डी एल इज इक्वल टू अगर कॉन्स्टेंट्स को मैं बाहर निकाल दूँ पी पी ई टी कॉन्सटेंट्स इसको बाहर निकाल दूँ तो जीरो टू एल वन अपॉन ए माइनस के एक्स डी एक्स ठीक है इज इक्वल टू पी अपॉन ई इंटू टी क्या होगा जी वन अपॉन एक्स का एल एन एक्स होता है ना वन अपॉन एक्स का क्या होता है एल एन एक्स ठीक है एल एन एक्स ठीक है और वन अपॉन एक्स भी होता है ठीक है मतलब वन अपॉन यू जो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ठीक है उसी का इस्तेमाल करना तो इन टू क्या आ जाएगा जो के एक्स है ठीक है माइनस के एक्स है या फिर ए माइनस के एक्स है इसको भी एक बार मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो ए तो ख़त्म हो जाएगा माइनस के कॉन्स्टेंट है माइनस के इंटू एक्स तो वन अपॉन के बचता है ठीक है वन अपॉन के और चूंकि माइनस साइन है तो वो भी इस्तेमाल करेंगे ठीक है ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा जब इंटीग्रेशन एलेवन ट्वेल्थ में आप लोग सीखे होंगे ठीक है और इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ठीक है चलिए कहाँ से कहाँ भैया तो जीरो से एल ओके चलिए इज इक्वल टू पी अपॉन ई टी वैल्यू पुट कर दिया जाए ठीक है माइनस जो साइन है ना यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ ठीक है यहाँ पर तो ये माइनस ठीक है तो अब एल की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ क्या बचेगा एल एन ए माइनस के एल ओके इनटू वन अपॉन के ठीक है तो ऐसा करते हैं कि जो वन अपॉन के है इसको भी मैं कांस्टेंट ही इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ ठीक है ओके चलिए अगर अब इतना ले लिए तो उसको यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है हमें तो एल एन ए माइनस के एल अब ज़ीरो पुट करना है तो माइनस ज़ीरो पुट करिए एल एन ए माइनस के इंटू ज़ीरो तो एल एन ए बचेगा ठीक है चलिए इतना जब काम हो गया हमारा तो अब क्या करते हैं हम लोग कि पी अपॉन E T K माइनस तो है ही एल एन ए माइनस के का वैल्यू पुट करते के का वैल्यू क्या था ए माइनस बी बाई एल यही था क्या यही था ना जी यही था माइनस एल एन ए ठीक है एल से एल कट जाएगा क्या बचेगा माइनस पी अपॉन ई टी के एल एन ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी तो ए से ए कट जाएगा ना जी और प्लस बी बचेगा ठीक है तो एल एन बी ठीक है एल एन बी यही तो बचेगा माइनस एल एन ए ठीक है अभी देखिए यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको मैं अंदर भेज देता हूँ तो क्या बचेगा पी अपॉन ई टी के एल एन ए माइनस एल एन बी ठीक है इज इक्वल टू पी अपॉन ई टी के एल एन ए अपॉन बी ठीक है अब देखिए जो K अंदर में हमने तो वैल्यू पुट कर दिया था बाहर में वैल्यू पुट नहीं किया था उसका भी वैल्यू पुट कर देते हैं ठीक है तो p अपॉन ई टी के क्या था भाई a माइनस बी अपॉन एल तो L जो बच्चा उसको ऊपर लिख देते हैं क्या इधर होगा a अपॉन बी चलिए ठीक है तो ये हमारा फाइनल जो निकल करके डी कह लीजिए इलॉन्गेशन टोटल एलोंगेशन जो निकल कर आया है वो यही है ठीक है इस फॉर्मूले को याद रखना है टोटल इलॉन्गेशन एक अगर आपके पास रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्मली टैपरिंग बार है तो उसके लिए टोटल एलोंगेशन कितना होगा अगर उस पर लोड पी है उसकी लेंथ अगर एल दी हुई है और ई दे रखिए उसकी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और उसी रड की टी स्मॉल टी थिकनेस दे रखी है ठीक है और उसी रड का एक साइड का विथ ए है दूसरे साइड का विथ बी है ठीक है तो उस केस में कैसे काम चलेगा वो हमने यहां बता दिया है ठीक है ओके okay, क्लियर है चीजें चलिए देखिए अब इसी के ऊपर बेस्ट एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है द एक्सटेंसन इन रेक्टेंगुलर स्टील बार ऑफ लेंथ 400 हंड्रेड एम लेंथ दिया है 400 हंड्रेड एम थिकनेस टेन एम एम टी की वैल्यू टेन एम एम दे रखी है इस फॉर्म टू बी जीरो पॉइंट टू वन एम एम मतलब एक्सटेंसन कितना डी एल जो है डी एल कितना है जीरो पॉइंट टू वन एम एम ठीक है द बार टैपर्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम द विथ सौ पचास मतलब ए की वैल्यू सौ एम एम हो गई और बी की वैल्यू पचास एम एम है ना सौ एक तरफ विथ है पचास एक तरफ है इफ़ ई e की वैल्यू दे रखी है टू इंटू ट्वेंट पर फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर द माइन लोड मतलब देखिए इसी क्वेश्चन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब कुछ एक्सटेंशन ई टी ए बी सब दे रखा है क्या नहीं दे रखा है एल भी दे रखा है पी नहीं दे रखा है तो हमें पी निकालना है ठीक है देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप डाइग्राम बना दो ठीक है डाइग्राम बनाना बड़ा अच्छा होता है इससे जो भी कॉपी चेक कर रहा था उसे पता चलता है हाँ बंदे को समझ है, ठीक है तो ए दे रखा है कितना हंड्रेड एम एम ठीक है बी दे रखा है कितना फिफ्टी एम एम है ना एल दे रखा है कितना एल कितना है जी लेंथ फोर हंड्रेड एम एम टी जो थिकनेस है थिकनेस मतलब क्या पहले भी मैंने बताया फिर से देखिए इसी की बात हो रही है ना ये जो थिकनेस है टी है ना ठीक है कितना टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है टेन एम एम ठीक है ओके और क्या चीज़ें दे रखी हैं ई की वैल्यू दे रखी है ई दे रखा है टू इंटू टेन टू पर फाइव एम एम ठीक है और क्या दे रखा है भैया डी एल की वैल्यू दे रखी है ज़ीरो पॉइंट टू वन एम एम ठीक है आप लोग जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो डी एल नहीं लिखोगे आप लिखोगे एक्सटेंशन की बात करोगे एलोंगेशन की बात करोगे ठीक है वो हमेशा यूज़ करना है ठीक है ये तो क्लास में है इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ ठीक है लेकिन आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूरा लिखना है ई e मत लिखोगे आप लिखोगे ई कॉमा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज इतना ठीक है चलिए तो हमें तो पता है भैया कि डी एल क्या होता है एकदम ताज़ा ताज़ा सीखें कि डी एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई टी ए माइनस किस केस में तो उस केस में जब एक यूनिफॉर्मली टैपरिंग रेक्टेंगुलर बार हो ठीक है एल एन ए बाई पी चलिए डी एल दे रखा है ज़ीरो पॉइंट टू वन एम एम में पी की वैल्यू हमें नहीं पता है इंटू एल की वैल्यू हमें पता है 400 हंड्रेड एम एम में ठीक है E की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू टेन टू पावर फाइव एम एम ई की वैल्यू 2 इंटू टेन पर फाइव ये देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है है ना क्या गड़बड़ है भाई यूनिट न्यूटन पर एम mm एम स्क्वायर होगा ठीक है चलिए तो टू इंटू टेन पर फाइव न्यूटन पर एम mm एम स्क्वायर इंटू थिकनेस टी कितना दस आई इंटू ए माइनस बी ए कितना है और बी कितना है ए है सौ बी है पचास तो क्या होगा हंड्रेड माइनस फिफ्टी डेट इज़ फिफ्टी एम एम ठीक है इंटू एल एन ए की वैल्यू कितनी हंड्रेड और बी की वैल्यू फिफ्टी तो हंड्रेड बाई फिफ्टी का मतलब क्या हो गया टू हो गया ठीक है चलिए अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि यहाँ का यूनिट एम एम में है ये लोड है न्यूटन में आएगा ठीक है ये एम एम है ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है लेकिन एक एम एम थिकनेस और एक एम एम ए काट देगा तो बस न्यूटन बचेगा यहाँ ठीक है और ये सिर्फ न्यूटन बचेगा ठीक है ओके तो और कोई यूनिट बचा नहीं तो पी किस में आएगा न्यूटन में ही आएगा है ना तो यहाँ से मुझे बताइए कि पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी P इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू वन इंटू टू इंटू टेन पार फाइव इंटू टेन फिफ्टी है ना डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड है ना ठीक है और किसी से डिवाइड होगा इनटू एलन टू इतना ही से डिवाइड होगा तो इन सभी करने के बाद बताइएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में कि P की वैल्यू न्यूटन में कितनी आती है कितना आंसर होता है ठीक है chelly